नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है काश और आप सभी देख रहे हैं न्यूज रिमार्क। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं, आप क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वो भी बिग एडवर्टीजमेंट पे। अगर आपको नहीं पता क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को परफेक्टली कैसे प्रमोट किया जाता है, वो भी बिग एडवर्टीजमेंट पे, तो ये वीडियो देखते रहिए। सभी को बताने वाला हूं कि क्लिकबैंक के प्रोडक्ट्स को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं। लोग नॉर्मली क्या गलती करते हैं, लोग नॉर्मली क्लिकबैंक पर जाते हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट को चूज करते हैं, चूज करने के बाद वो डायरेक्टली बिग एडवर्टाइजमेंट रन करना शुरू कर देते हैं। एक दिन हो जाते हैं, दो दिन हो जाते हैं, पर उनके पास कोई भी सेल नहीं आती। गाइस, ये टोटली एक बिल्कुल गलत तरीका है। यहां पर मैं आपको सबसे पहले कांसेप्ट बताऊंगा कि क्लिकबैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट एक्चुअल में कैसे किया जाता है। सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पे समझाने वाला हूँ, तो आपको हर एक चीज बिल्कुल स्टेप बाय फॉलो करनी है। और अगर आप ये चीज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आई अश्योर यू गाइस, आप अपने क्लिकबैंक के अकाउंट पे आप अमेजिंग अर्निंग आप कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है क्लिकबैंक पर। तो क्लिकबैंक पर जाने के बाद आप नॉर्मली अपना अकाउंट बनाए, अकाउंट बनाने के बाद आपको नॉर्मली एक प्रोडक्ट चूज करना है। देखिए, लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब वो प्रोडक्ट चूज करते हैं वो अपनी कमीशन सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले, तो वो प्रोडक्ट चूज करते हैं $30 का, $100 का, यहाँ तक कि वो $1000 के प्रोडक्ट्स पर भी चले जाते हैं। गाइस, अगर आपको $1000 कमीशन बनानी है तो एटलीस्ट आपको $100 आपको इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे उस चीज के लिए। ये एक बिल्कुल परफेक्ट बिजनेस है, आपका बिजनेस है, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। ओके, तो प्रोडक्ट आपको चूज करना है, प्रोडक्ट को चूज करते टाइम आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। पहली चीज है ग्रेविटी, ग्रेविटी आपकी होनी चाहिए 20% से लेके 50%। देखिए, अगर आप ज्यादा ग्रेविटी वाले प्रोडक्ट को चूज करेंगे उसमें होता क्या है, अगर सपोज किसी प्रोडक्ट की ग्रेविटी है 200%, तो उस वाले प्रोडक्ट को ऑलरेडी काफी सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर आप उसी प्रोडक्ट को दोबारा प्रमोट करेंगे या फिर बिग एडवर्टाइजमेंट पर प्रमोट करेंगे तो चांसेस काफी कम है उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर पाएंगे, क्योंकि आपका बिडिंग अमाउंट ज्यादा होगा। जो आप कीवर्ड्स डालेंगे बिंग एडवर्टाइजमेंट में उनका बिडिंग अमाउंट काफी ज्यादा होगा, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग है अगर आपकी, तो आप ग्रेविटी प्रोडक्ट चूज करें जिनकी ग्रेविटी है 20% से लेके 50%। दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो है कमीशन, तो कमीशन होनी चाहिए $10 से लेके $15। देखिए, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि कमीशन वाले प्रोडक्ट्स आप चूज करें जिनकी कमीशन है $10 से $15। देखिए, अगर आप ज्यादा कमीशन वाले प्रोडक्ट चूज करेंगे जैसे कि $100, $200, वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी। कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले आपको टेस्ट करना पड़ता है, कोई भी प्रोडक्ट आपको एक या दो दिन के अंदर सेल नहीं देगा। सबसे पहली और मेन चीज है क्लिकबैंक में, एफिलिएट मार्केटिंग में, वो है टेस्टिंग। तो देखिए, टेस्टिंग होती है 7 डेज के लिए, इस चीज को जरा ध्यान से देखिए गया, और काफी ज्यादा लोग इसी चीज में फेल करते हैं। तो देखिए, 7 डेज तक टेस्टिंग करनी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, और इस प्रोडक्ट का 10% आपको लगाना पड़ता है। सपोज मैं लेके चल रहा हूँ भाई, हमने $10 का एक प्रोडक्ट चूज किया है क्लिकबैंक से और उसे प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो उसका आपको सबसे पहले URL निकालना पड़ेगा। इस URL को ऑब्वियसली बात है आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। इस URL को शॉर्ट करने के लिए आप काफी सारी चीजें यूज कर सकते हैं, आप डोमेन परचेज कर सकते हैं या फिर आप साइट यूज कर सकते हैं जो कि है bit.ly। ओके, तो हमारे पास एक बिल्कुल अपना परफेक्ट URL यहाँ पर आ गया है। तो सपोज मैं लेके चलता हूँ, इस URL का नाम है A, और ये प्रोडक्ट की जो कमीशन है वो है $10। तो 7 डेज तक टेस्टिंग चलती है, और टेस्टिंग का पहला रूल यही है, आपके पास होने चाहिए कीवर्ड्स। अगर आपके कीवर्ड्स पर ट्रैफिक आ रहा है तो डेफिनेटली आप सेल करेंगे और आप कमाल की सेल कर पाएंगे। तो देखिए, 7 डेज की हमारे पास होती है टेस्टिंग, और ये होता है कि 4 डेज तक हमें चलाना पड़ता है अपना कैंपेन। तो देखिए, आपने इस वाले URL को उठा के, सपोज ए URL को आपने उठा के आप डायरेक्ट प्रमोशन करें बिग एडवर्टीजमेंट में, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 10%, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट है $10 तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी $1 per day। ओके, और ये चीज आपको 4 डेज तक रन करनी है। हर दिन क्या होता है, हर 24 घंटे के बाद बिग एडवर्टाइजमेंट के आपके कीवर्ड्स पर अलग अलग बिडिंग चेंज करता है।
सपोज आपने अपने कीवर्ड पर बिंग एडवर्टाइजमेंट से बोला हुआ है भाई मैं मुझे चार्ज करना 5 रुपीज अगर कोई पर्सन मेरे सेलिंग पेज पर विजिट करता है यानी कि मेरी वेबसाइट पर विजिट करता है, पर 24 घंटे बाद क्या होगा, बिंग एडवर्टाइजमेंट आपसे ये बोलेगा अगर आप मुझे 5 रुपए की जगह अगर आप मुझे 6 रुपए दोगे तो आपको काफी अच्छा ट्रैफिक मिलेगा और जो आपकी पोजीशन है बिंग एडवर्टाइजमेंट में वो ऊपर हो जाएगी। तो वो सारी चीजें हर 24 घंटे के बाद चेंज करनी पड़ती है और ये सारी टेस्टिंग चलती है पूरे 4 डेज के लिए। तो 4 डेज के बाद होता क्या, आपके पास प्रॉपर कीवर्ड्स आ जाते हैं जिन पे आपका ट्रैफिक आएगा, जो कीवर्ड्स बेकार गए आप उन्हें नॉर्मली बिंग एडवर्टाइजमेंट से आप डिलीट कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको फर्दर बताऊंगा। ओके, तो 4 डेज हो चुके हैं, 4 डेज तक हमारे पास जो हमारी जो डेली बेसिस पे जो इनकम इन्वेस्टमेंट लगी है वो है $1, तो यानी कि अभी तक हमारे $4 लग चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट 3 डेज आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 डेज में होगा क्या, नेक्स्ट 3 डेज में आपके पास आ चुके हैं प्रॉपर कीवर्ड्स, इन्वेस्टमेंट वही रहेगी आपकी $1 पर डे की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि यहाँ पर आपके लगेंगे $3 3 दिन के लिए। गाइस अब आपको ये देखना है कि ये वाला प्रोडक्ट जो कि एक प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो भी रहा है या फिर नहीं। देखिए 4 डेज के बाद आपके पास प्रॉपर कीवर्ड्स आ चुके हैं और इन्हीं कीवर्ड्स को आपने फर्दर यूज करके 3 डेज और रन करा है। अब होता क्या है, पूरे 7 डेज आपके पास हो चुके हैं, अब आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है और आपने उस प्रोडक्ट पे सेल जनरेट करी भी है या फिर नहीं। तो सपोज मैं लेके चलता हूँ सिर्फ 7 डेज के अंदर आपने 2 सेल जनरेट करी है जो कि ऑब्वियस सी बात है हो जाती है आराम से, तो मैं लेके चलता हूँ सिर्फ आपने 2 सेल जनरेट करी है एक प्रोडक्ट की, यानी कि जो आपकी कमीशन बनी है वो है $20। ओके, $20 आपकी कमीशन है और जो इन्वेस्टमेंट थी आपकी 7 डेज की यानी कि $1 पर डे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई $7, तो -$7, तो जो आपका प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है $13 का। गाइस टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग में, यही एक बेसिकली सिंपल सा फंडा है किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। अगर आप इस फंडे को बिल्कुल क्लियरली समझ गए हैं तो आप आराम से कमाल की अर्निंग कर पाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग से। और गाइस किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट को प्रमोट करते टाइम आपको सिर्फ यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, 7 डेज तक आपको टेस्टिंग करनी है, 7 डेज के बाद ही आपको पता चलता है कि वो प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा या फिर नहीं। अगर वो प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्टली बिंग एडवर्टाइजमेंट पे कन्वर्ट हो जाता है, मैं लेके चलता हूँ सपोज आपने 3 प्रोडक्ट निकाले हैं बिंग एडवर्टाइजमेंट पे जिनकी कमीशन है $10 से $15 और इनको आप अच्छी खासी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं बिंग एडवर्टाइजमेंट पे, आपकी इन्वेस्टमेंट भी लग रही है, तो मैं लेके चलता हूँ 3 में से सिर्फ 1 प्रोडक्ट आपको ऐसा मिल चुका है जो बड़ा कमाल का कन्वर्ट हो रहा है, उसके सारे कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ आपके पास आ चुके हैं। तो मैं लेके चलता हूँ इस प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हैं बिंग एडवर्टाइजमेंट पे और आपकी सेल बन रही है सिर्फ 2 की 1 हफ्ते के अंदर, तो इस प्रोडक्ट को आपको फर्दर ले जाना पड़ेगा गूगल एडवर्ड में। और अगर आप इस सेम प्रोडक्ट को गूगल एडवर्ड पे प्रमोट करेंगे, क्योंकि बिंग एडवर्टाइजमेंट पे अगर ये बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है गूगल एडवर्टाइजमेंट पे भी ये बड़ा कमाल का रन करेगा। तो आपको फर्दर इस प्रोडक्ट को गूगल एडवर्ड पे ले जाना है और गूगल एडवर्ड पे आपको आसानी से पर डे की जो सेल मिलेगी वो मिलेगी 2 to 3 सेल पर डे। तो गाइस यही एक बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का। और लास्टली गाइस मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में आप बिल्कुल फ्रीली बिल्कुल फ्रैंकली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप चाहते हो आप इसी तरह की कमाल की वीडियो से अप टू डेट रहे तो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मैं आपसे मिलता हूँ आने वाली दूसरी वीडियो में।